नमस्कार दोस्तों, यदि आप वैक्यूम क्लीनर लेने का सोच रहे हैं तो लेने से पहले मेरा वीडियो ये अवश्य देखिए। इसमें मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो चलिए देखते हैं। यह वैक्यूम क्लीनर जो है ब्लैक एंड डेकर कंपनी का है और ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ये 800 वाट का आता है और मैंने इसे लेने से पहले ढेर सारे वैक्यूम क्लीनर के बारे में जानकारी जुटाई, फिर मुझे लगा कि यही लेना ठीक रहेगा। ये और इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है। चलिए इसके साथ जो जो सामान आया है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यह है वैक्यूम क्लीनर ब्लैक एंड डेकर का। इसमें यह जो है डस्ट बाउल है, जो भी इसके साथ इक्विपमेंट मिले हैं उन्हें आप यहाँ लगाते हैं और चालू करते हैं तो ये डस्ट पूरी खींचता है और इस बाउल में ही डस्ट रहती है। यहाँ पर एक बैग लगा हुआ है तो बारीक बारीक जो डस्ट रहती है वो अंदर नहीं जा पाती है, ठीक है। यह जो बटन है ये बाउल रिलीज बटन है। ये जो बाउल है डस्ट बाउल, इसे आपको निकाल कर, जब डस्ट जमा हो जाएगी तो इसे निकाल कर खाली करना होगा, तो ये इस बटन से ये रिलीज़ होता है। दूसरा, यह जो है ये ऑन ऑफ का स्विच है, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये जो कॉर्ड है ये 15 मीटर लंबी है, यानी आप काफ़ी दूर भी, आपका बोर्ड जो है यदि काफ़ी दूर है तो वहाँ से भी लगाकर इसे आप काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आइटम देखते हैं दोस्तों। यह जो है यह टर्बो ब्रश है। यदि आप कालीन फर्श वगैरह साफ़ करना चाहते हैं तो इसे लगा कर आप साफ़ करेंगे। इसे डस्ट बाउल के माउथ पर यहाँ से लगा देते हैं यहाँ से, और उसके बाद क्लीनिंग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइटम ये देखिए दोस्तों, यह है सोफ़ा ब्रश। इसे भी उसी तरह यूज़ करना है, जो अपना डस्ट का जो बाउल है उसके माउथ पे ये यहाँ से फिट करते हैं और सोफ़ा वगैरह इससे साफ़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आइटम देखते हैं। यह जो है इसे बोलते हैं क्रिवाइज नोज़ल। जैसे खिड़कियाँ हो गई, कूलर हो गए, उनकी जो जालियाँ रहती हैं एसी की जालियाँ, उसे इससे साफ़ किया जाता है। इसे भी डस्ट बाउल के माउथ पे लगाकर साफ़ किया जाता है और दोस्तों ये घूमता भी है, इतना ये घूम जाता है, इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आइटम देखते हैं। इसमें ये स्ट्रिप्स दी गई है, इन्हें आप बाउथ जो अपना वैक्यूम क्लीनर है उसमें इसे लगाकर कंधे पे टांग कर भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यह ब्लो नोज़ल है। कहीं की डस्ट आपको साफ़ करनी, जैसे लैपटॉप का कीबोर्ड रहता है या बारीक बारीक जगह जहाँ की डस्ट आपको उड़ाना है, तो इसे डस्ट बाउल के माउथ पे लगाइए और यहाँ से ये ब्लो करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यह एक्सटेंशन होज दिया गया है। एक साइड से आप डस्ट बाउल के माउथ पर लगाइए और दूसरे साइड में जो डस्ट साफ करने के जो दूसरे इक्विपमेंट है उसे लगाकर आप साफ कर सकते हैं। चलिए इसके साथ में ये दो पाइप आए हुए हैं। जैसे आप कहीं ऊपर की कोई जगह साफ करना चाहते हैं जहां आपका हाथ पहुंच नहीं पाता है, तो ये अपनी ऊंचाई के हिसाब से इन्हें फिट कर लीजिए और इसमें एक साइड डस्ट बाउल के माउथ पर लगाइए और दूसरे साइड इस पाइप को जोड़ दीजिए और उसके बाद उस साइड पर जो भी साफ करने का आइटम है उसे लगाकर आप साफ कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, ये था हमारा ब्लैक एंड डेकर का वैक्यूम क्लीनर। ये 800 वाट का है और इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें MRP जो है 3595 लिखी हुई है। ये देखिए इसकी जो MRP है, ये शायद क्लियर नहीं दिख रही होगी, 3595 लिखी हुई है और ये मुझे आया है 2495 का, तो काफ़ी डिस्काउंट भी मिल गया है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, 5 स्टार रेटिंग है इसकी। तो आप भी यदि वैक्यूम क्लीनर लेने का सोच रहे हैं तो आप भी और जानकारी ले सकते हैं कहीं और से, दूसरे कंपनी के वैक्यूम क्लीनर देखकर, लेकिन मुझे तो यही सबसे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे ही परचेस किया है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।